प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं इसके। देखो प्रॉपर्टीज वही है, अगर एफ और जी जो है मेरे वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इन्फिनिटी की बात हो रही है, तो इसमें लिमिट सपोज मेरा एक्स टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी जो है इज इक्वल टू एल आर है। ये आकर इसका मतलब हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। कोई भी आप एक ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, प्लस या माइनस का। एंड यर लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स सपोज ये है एम, देन सिंपल है जो हम एक्चुअली करके आ रहे हैं वही मैं लिखवा रहा हूँ। फाइनाइट के लिए हो रहा था बट ये इन्फिनिटी के केस में हो रहा है। लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, या चलो प्लस माइनस के दोनों के लिए एक ही मैं कर रहा हूँ। चलो कांस्टेंट भी डाल देता हूँ एक, वैसे इज सम कांस्टेंट, तो मैं ये सारा तीनों चीजें एक ही में लिख रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स। चलो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, इसमें क्या होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी सी एल प्लस एम, वेयर सी बिलोंग्स टू सम रियल नंबर, ठीक, सी कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पे देखो अब मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अलग अलग एग्जिस्ट करेगा तो ये क्या होगा एल इंटू एम, ठीक है। तो हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, सी के लिए सी लिमिट एक्स टेंडिंग टू कोसेंट रूल एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये क्या होता है एक्स टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स इजिकल टू, ये था आई थिंक एल और ये एम, एल बाय एम, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड दिस इज नॉन जीरो, हाँ प्रोवाइडेड एम इज नॉन जीरो। सिमिलरली अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी में कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स की पावर आर बाय एस फ्रैक्शन में ले रहा हूँ, तो हम इसको डायरेक्ट लिमिट अंदर ऑपरेट करके इट विल बी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स पावर आर बाय एस, दिस इज एफ ऑफ एक्स क्या था एल पावर आर बाय एस। ऑफकोर्स यहाँ पे भी जब रियल नंबर की बात हो रही हो तो एल शुड बी नॉन नेगेटिव, ठीक है, एल शुड बी नॉन नेगेटिव। तो देखो इन जैसे हमें ये मिले तो यहाँ पे हमें क्या एक रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू सपोज प्लस माइनस इन्फिनिटी वेयर सी इज द सम कांस्टेंट एक्स टू द पावर एन, सपोज सी इज सम कांस्टेंट अपॉन एक्स टू द पावर एन। अब अगर मैं एन को पॉजिटिव लू तो ये लिमिट ऑलवेज क्या होगी जीरो होगी। तो सिंपली अगर एक्स टू इसको अगर प्रूफ करना चाहो, देखो मैं वो बाय डेफिनेशन नहीं जाना है, डेफिनेशन के थ्रू मत करना, जैसे लिमिट एक्स टू द पावर ये जीरो शो करना है, इट विल बी ये क्या होगा एम प्लस माइनस इन्फिनिटी सी, अगर एन पॉजिटिव है तो ये क्या आप इसको लिख सकते हो एक्स एन माइनस वन इंटू एक्स, तो ये आप लिख सकते हो भाई इसको इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स इंटू सी अपॉन एक्स एन माइनस वन, है ना। अब प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इसके साथ इसके साथ, अब इसकी जो भी लिमिट होगी वो देख लेंगे, लेकिन इसकी लिमिट जीरो आएगी, है ना। तो जीरो अब अप टू एन है तो सारे हम अगर वन बाई एन वन बाई एक्स करके लिखेंगे तो जीरो इंटू जीरो फॉर्म का बनेगा, तो ये आपकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये एक रिजल्ट हमें मिला यहाँ पे, क्वेश्चन एक देखो जरा, क्वेश्चन वन फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पाई रूट टू अपॉन एक्स क्यूब, जीरो आएगा डायरेक्ट, पाई रूट टू कॉन्स्टेंट है सो आप लिख सकते हो एक्स टेंडिंग टू
इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स क्यूब। तो वन अपॉन एक्स क्यूब को मैं ये लिख सकता हूं, है ना। और वन अपॉन एक्स की ऑलरेडी हम कर चुके हैं, प्रोडक्ट वाला रूल लगाओगे अगेन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स, है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स। आपको यही रूल यूज करके ही सॉल्व करना है, पाई जीरो जीरो जीरो, सो इट विल बी जीरो। चलो इसका बताओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x² + 5x + 1 अपॉन, चलो यहाँ पे मैं 2x² ले लेता हूँ कॉमन ना, और यहाँ पे चलो 3x³ ले लेता हूँ, जो हायर जो है वही मैं कॉमन ले रहा हूँ, 2x² 3x³ यानी 2/3x आ गया। और आप क्या करोगे, लिमिट यहाँ भी लगाओगे और लिमिट इनको अंदर भी भेजोगे, है ना, पहले ये कूसेंट वाला रूल लगाओगे, फिर एडिशन वाला, ठीक। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो आएगा, एंड यहाँ पे पूरा वन अपॉन एक्स टाइप का वो जीरो, तो जीरो इंटू वन टाइप का बनेगा, तो इट विल बी जीरो। एक ये बता दो लिमिट, एंड उसके बाद कुछ अगेन रूल लिखेंगे यहाँ पे, 2x² - 5x - 3 अपॉन 3x² - x - 20 2/3, यस 2/3 आएगा, ठीक है, करें। 4, अब बताओ इन्फिनिटी आ रही है, एक्चुअली डिग्री देख के बता देंगे इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो कुछ रिजल्ट्स लिख लेते हैं इसी पे, लिमिट एट इन्फिनिटी एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। अब जो भी हमने अभी किया है ये, है ना, ये जो चार क्वेश्चन हमने लिए ऑफ कोर्स इसको छोड़ के, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ दे आर कॉल्ड रेशनल फंक्शन, ठीक। रेशनल फंक्शन वो होता है p/q टाइप का ऑफ रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन जो है f(x) = (px)/qx है, वेयर p एंड q आर पॉलिनोमियल, है ना। रेशनल फंक्शन कैसे होता है, रेशनल फंक्शन होगा p/q टाइप का, ऑफ कोर्स यहाँ पे दिस qx इज नॉन जीरो, नहीं तो डिफाइंड ही नहीं होगा, एंड वेयर px इज द पॉलिनोमियल x^(m), चलो m ले लेते हैं एक में, एंड qx = b0 b1x एंड सो ऑन bnx^n। इफ वी हैव द रेशनल फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ px/qx देन वी डायरेक्टली फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट इन्फिनिटी। तो वो हम एक्चुअली यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर इफ वी हैव द रेशनल फंक्शन लाइक दिस देन वट इज द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे f(x) क्या होगा, जब x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो f(x) कहाँ अप्रोच कर रहा होगा वो हम देखेंगे। देन ऑफकोर्स वी नो वट इज द हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट, हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट इज नथिंग बट द y = l, वेयर l इज द लिमिट ऑफ f(x) एट इन्फिनिटी। तो इसी में सो फर्स्ट रिजल्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसका, इफ m इज लेस देन n सपोज देन लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफकोर्स प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हम कुछ भी ले सकते हैं, चलो दोनों में ले रहा हूँ, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी f(x). अगर हम इसको देखें, अगर m जो है, देखो m जो डिग्री है ऊपर अपर है ना, m जो है न्यूमिनेटर में होगा, n जो होगा ये डिनोमिनेटर का होगा, सो m अगर छोटा है n से, तो अगर हम x^m को कॉमन ले ले और x^n को कॉमन ले ले, तो डिनोमिनेटर में स्टिल x का कुछ कोफिशियंट बचा रहेगा, तो ये सीधे इसको जीरो पे अप्रोच करा लेगा। तो डायरेक्ट हम ये रिजल्ट निकाल रहे हैं, अगर कभी भी डिग्री इस रेशनल फंक्शन टाइप का कोई फंक्शन है
इफ वी हैव द डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एम अपॉन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन और एम इज लेस देन एन देन लिमिट जो होगी एट इन्फिनिटी पे वो एफ ऑफ एक्स की लिमिट जो होगी वो जीरो होगी. एंड इन दिस केस वाई इज इक्वल टू लिमिट जीरो आ रही है तो वाई इज इक्वल टू एल यानी वाई इज इक्वल टू जीरो इज द हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट. सिंपल एक रिजल्ट हम निकाल रहे हैं यहाँ से. हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट डायरेक्ट बता सकते हैं अगर इस टाइप का कोई फंक्शन गिवन हो. नाउ सेकेंड देखो बी इफ सपोज एम इज इक्वल टू एन ओ देन लिमिट एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू. अब देखो अगर एम और एन इक्वल हो जाए तो एक्स टू द पावर एन एम को हम कॉमन ले सकते हैं और एक्स टू द पावर एन को भी कॉमन ले सकते हैं. तो वो क्या होगा हमारा एक्स टू द पावर एम एन एक्स टू द पावर एन जो है कॉमन आ रहे हैं एंड ऑफकोर्स दे आर नॉन जीरो. तो डिग्री क्योंकि हम डिग्री की बात कर रहे हैं तो ये नॉन जीरो होंगे. सो ये अगर नॉन जीरो है तो एक्स टू द पावर एम अपॉन एक्स टू द पावर एन जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे. द कोफिशियंट विच आर फ्री फ्रॉम द एक्स जो होंगे वो केवल अपर में नोमिनेटर में ए एम होगा और डिनोमिनेटर में बी एन होगा. बाकी वन अपॉन एक्स के कोफिशियंट के साथ होंगे. लिमिट जो आएगी इसकी ए एम अपॉन बी एम बी एन हो जाएगा. ठीक तो डायरेक्ट ये मैं कर रहा हूं ए एम अपॉन बी एन. आप कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है. अब आप ए एक्स टू द पावर एम कॉमन ले लेना यहाँ पे एक्स टू द पावर एन दोनों को एम इज इक्वल टू एन कर दो तो यहाँ पे एन और एन आ जाएगा. तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो सेम है दोनों में. तो केवल यही ए एम और बी एन ही नॉन जीरो रहेंगे बाकी सारे जीरो हो जाएंगे लिमिट की प्रॉपर्टी यूज करके. तो यहाँ पे ए एम अपॉन बी एन आएगा सिंपल. एंड हियर इन दिस केस ऑफकोर्स हॉरिजेंटल जो एजिम्प्टोट होगा सो वाई इज इक्वल टू ए एम अपॉन बी एन इज हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट. नंबर सी. अब क्या हो सकता है इफ एम इज ग्रेटर देन एन. स्टार्टिंग में एम लेस देन एन लिया था सेकंड में हमने एम इक्वल टू एन देन एम अगर ग्रेटर देन एन है यानी नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है देन ऑफ कोर्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स जो होगा वो या तो इन्फिनिटी आएगा या माइनस इन्फिनिटी आएगा या तो प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा. इन दिस केस देयर इज नो हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट. हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट होने के लिए डेफिनेशन ये कहती है भाई लिमिट एट इन्फिनिटी पे कोई फाइनाइट नंबर आए. तो थर्ड में इन्फिनिटी आ रहा है तो इन दिस केस देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट. बेसिकली हम देख पा रहे हैं टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट वी नीड टू फाइंड बिहेवियर ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी. यानी जब भी हमें हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट को फाइंड आउट करना है तो हमें जस्ट ये देखना है वट इज द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एट इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी. तो एक छोटा सा नोट हम लिख सकते हैं. देखो बाय डेफिनेशन में भी यही है हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट के. सो टू जस्ट टू फाइंड हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट वी नीड टू फाइंड हियर बिहेवियर ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू या तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी. बस ये चेक करना है जब भी ओरिजेंटल एजिम्प्टोट कहेगा बस आप लिमिट एफ ऑफ एक्स के सामने लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी करके चेक कर लो एंड ऑफ कोर्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी दोनों करके चेक करो और देखो वो क्या आ रहा है. ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक जस्ट एक एग्जाम्पल लेते थे इसी का. सपोज एफ ऑफ एक्स है मेरे पास 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 एंड अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2. अब वो कहते हैं भाई इसका लिमिट एट इन्फिनिटी
क्या होगा, या और इसी में एक भी कह सकते हैं फाइंड द हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट ऑफ द दिस फंक्शन, बिकॉज वी हैव द रिजल्ट, प्रीवियस रिजल्ट जो हमने लिखा है फॉर द रेशनल फंक्शन, तो डायरेक्ट है ना 5/3 जो होगा लिमिट एट इन्फिनिटी पे एफ ऑफ एक्स की लिमिट होगी। तो जब भी यहाँ पे फाइंड, ऑफकोर्स फाइंड हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट, अगर फाइंड हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट कहा है तो जस्ट आपको क्या करना है, अब जब भी हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट कहेगा वी नीड टू चेक हियर व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एफ ऑफ एक्स एट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। सो टू फाइंड हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट वी नीड टू फाइंड बिहेवियर ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो स्टार्टिंग में सपोज एट एक्स टेंडिंग टू, बिहेवियर ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, ये मैं चेक कर रहा हूँ। तो इसको चेक करोगे तो आप जस्ट सिंपली इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 5x² कॉमन ले लो या एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, आप जो जिसमें कंफर्टेबल है वही आप कॉमन ले लो। सो इट विल बी 1+, ठीक, एक्स इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, सो वी जस्ट एज्यूम हियर एक्स इज नॉन जीरो, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, सो वी जस्ट कंसिडर हियर एक्स इज नॉन जीरो। सो जैसे एक्स इज नॉन जीरो हमने कर दिया, आपको एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी कह रहा है तो वो वो इक्वल में जीरो तो नहीं होगा, एक फिक्स तो नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं टेंड कर रहा है। सो अब एक्स जीरो नॉन जीरो करने का फायदा यही होता है कि हम यहाँ पे x² से x² कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 5/3 होगा। आपको जस्ट लिमिट को अंदर भी अप्रोच कराना है, लिमिट की प्रॉपर्टी होती है वो यूज करना है। सो यहाँ से जब लिमिट एट इन्फिनिटी पे हम देख रहे हैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट इन्फिनिटी पे वो 5/3 आ रहा है, सो देयरफॉर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं दिस लाइन y इज इक्वल टू 5/3 इज हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट। ऑफ कोर्स जब पॉजिटिव हम की बात करते हैं हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑन द राइट, ठीक है, अगर आप ऑन द राइट लिखना ना चाहो तो ये नहीं भी चलेगा, तब भी चलेगा, बट इट इज अ हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट, इन्फिनिटी पे आपने चेक किया। सिमिलरली आपको नेगेटिव में भी देखना है बिहेवियर ऑफ एफ ऑफ एक्स एट माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे भी आई थिंक यही आने वाला है एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/3, वाई इज इक्वल टू 5/3 इज हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट ऑन द लेफ्ट। डायरेक्ट जो लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/3 हो, या लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/3 हो, ये डायरेक्ट इंप्लाई करेगा वाई बराबर 5/3 इज हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट। हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट कैसे निकालते हैं वो हम देख रहे हैं। ऑफकोर्स फॉर फाइंडिंग द हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट वी हैव टू चेक व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। दिस इज एग्जाम्पल 1, सेकेंड देखो, आप बताना जरा, सपोज एफ ऑफ एक्स है मेरा, दिस इज द एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो व्हाट इज द एजिम्प्टोट, ऑफकोर्स हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट क्या होगा, लिमिट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हमें बिहेवियर चेक करना है तभी हम हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट की बात करते हैं ना, सेम। सो अगर हमें यहां पे गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैं इसको जस्ट एक मिनट के लिए ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ये किया ना हमने, ये किया सिंपल ये किया, ठीक है, 1+1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब मैंने क्या किया, एक्स किया, एक्स स्क्वायर रूट को मैंने ब्रेक कर दिया 1+1 अपॉन एक्स स्क्वायर में, क्लियर। अब देखो, अब देखो जरा, अब ये जो है एक्स जो है एक्स में कहीं भी रिस्ट्रिक्शन गिवन है नहीं है, एक्स जो है पूरा थ्रू आउट इस लाइन पे
वेरी कर रहा होगा, क्योंकि देखो एक्स कुछ भी दो यहाँ पे फंक्शन हमारा डिफाइंड है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एफ इट इज डिफाइंड। तो चाहे आप जीरो रख लो, माइनस में रख लो, पॉजिटिव में रख लो, कुछ भी रखो, फंक्शन इज डिफाइंड ही है। तो हमने ऐसा कर लिया। अब देखो जरा, अब जब मैंने ये कर दिया तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब मैं एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ तो क्या इसके इक्वल में ओनली एक्स ही होगा? ये मेरा क्वेश्चन है। अगर अगर देखो जरा सिंपल, देखो माइनस एक्स का होली स्क्वायर, माइनस एक्स का होली स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर ऑल्सो, है ना? चलो सिंपल एक नंबर ले रहा हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी नंबर लेने में। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आएगा? 2 आएगा। अब आपको ये पता है क्या -2 × -2 क्या होता है? +4 होता है ना। सो व्हाट इज दिस? -2 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूं इसको, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है। -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ रहा है, एंड 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू भी 4 आ रहा है, आ रहा है। अब मैंने क्या किया, इसके पावर में यानी स्क्वायर रूट लगा दिया, यानी पावर में 1/2 कर दिया। वाह, 1/2 स्क्वायर रूट के बाहर जब हम नंबर एलिमेंट लेते तो मॉडुलस लगा के एक्चुअली आता है वो। ये एक्चुअली पॉजिटिव, तभी हम बोलते हैं ये पॉजिटिव है। तो जब अब इस केस में हम देख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है, यहाँ पे -2 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? 2 आ रहा है। तो भाई एक्स स्क्वायर जो है अगर नेगेटिव में होगा, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर अगर -1 हो गया, एक्स सपोज -1 हो गया, तब भी तो ये वैलिड है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस तब भी वैलिड है। अगर एक्स 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, तब भी ये वैलिड है। तो ये एक्स जो है प्लस पॉजिटिव के लिए भी वैलिड है और नेगेटिव के लिए भी वैलिड है। तो जब एक्स जो है आप पॉजिटिव लोगे तो ऑफकोर्स ये एक्स जो है आपका पॉजिटिव आएगा, जब आप एक्स को नेगेटिव की तरफ लोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आप नेगेटिव एक्स लिखेंगे। देखो अब यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है और 99% बच्चे बोलते हैं y = 1 आंसर है, छोड़ो। लेकिन अब देखना क्या आता है। अब यहां पे मैं दो केस बनाऊंगा, केस नंबर 1 ए, केस 1 सपोज एक्स स्क्वायर। अब देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है जी, पॉजिटिव के लिए वो एक्स ही आएगा। तो इस केस में मेरा एफ ऑफ एक्स क्या होगा? तो एफ ऑफ एक्स, क्योंकि तो हमें तो बिहेवियर एट इन्फिनिटी चेक करना है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट हम छोड़ सकते हैं, एट इन्फिनिटी की तरफ हमें अप्रोच कराना है। तो एफ ऑफ एक्स जो होगा, अगर मैं एक्स को पॉजिटिव, अब ये इसके लिए ये रूट है जो है वो एक्स आ रहा है, इट मीन्स ये एक्स अपॉन एक्स है ना, 1 + 1/x², ये आ गया 1 + 1/x². तो अब इसकी लिमिट एट इन्फिनिटी चेक करो। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, क्योंकि देखो हम एक्स को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे इस कंडीशन में हम नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं चेक करेंगे, क्योंकि भाई फंक्शन का बिहेवियर जो है, एक्स जब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो फंक्शन का बिहेवियर हम चेक कर रहे हैं। तो एक्स इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं पॉजिटिव होने की वजह से, एक्स इन्फिनिटी। सो दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 / 1 + 1/x², स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, है ना, लिमिट अंदर आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, तो दिस विल बी 1, ठीक। तो इस केस में y = 1 इज
हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट ऑन द राइट। ये पॉजिटिव के लिए था। अब नेगेटिव, अगर मेरा एक्स स्क्वायर, अगर मेरा एक्स जो है नेगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? माइनस एक्स, ठीक है, बिकॉज वी नो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऑल्सो एक्स स्क्वायर। ऑफकोर्स क्या है ये, दिस है ना, तो ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, क्योंकि माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स आ रहा है। तो जब भी हम करते हैं ना, ए इंटू ए होता है, तो वो ए बाहर आ जाता है, बस चाहे माइनस हो यहाँ पे दोनों रिपीट या प्लस हो रिपीट, वो पूरा विद साइन बाहर आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर एक्स निगेटिव ले रहा हूँ, तो एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स हो रहा है, तो ये रूट के बाहर आ जा रहा है, तो माइनस माइनस प्लस होके ये एक्स स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट ये लिख रहा है, और एक्स निगेटिव है, तो निगेटिव है तो मैं लिमिट चेक करूंगा एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये मेरा, देखो देखो इसको चेंज मत करना, आपने अब केवल हमें स्क्वायर रूट को चेंज कर रहे हैं, हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को, बस इसको ही चेंज होना है। तो इस नीचे हमारा क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर था, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह माइनस आएगा, बाकी एज इट इज होंगे, यस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यस माइनस वन, ठीक है। लिमिट आप अप्रोच करा दोगे, यहाँ पे ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे ये जो है वन अपॉन एक्स स्क्वायर टेंडिंग टू जीरो, तो इट विल बी माइनस वन। सो वाई इज इक्वल टू माइनस वन इज द एजिम्प्टोट, है ना, मॉड के जैसे ही आते हैं केस, तो वो भी हमें ऐसे ही करने पड़ेंगे। और कभी भी जब भी हम ये लिखते हैं ना, सपोज ये मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर फोर है, तो ये जब आप लिखते हैं, जब एक्स स्क्वायर को आप बाहर निकालते हो, तो इट विल बी द मॉड एक्स इंटू एक्स, सॉरी वन प्लस एक्स स्क्वायर, होता यही है ये। एक्चुअली हम जनरली यही सोचते हैं, भाई एक्स पॉजिटिव के लिए ही हम कर रहे हैं, तो पॉजिटिव के केस में ऑफकोर्स अब मॉड मत लिखो, चलेगा, लेकिन जब चीजें नेगेटिव पॉजिटिव ऑल आ जाती है, सो इट विल बी, इट मस्ट बी मॉड एक्स। वो कैसे होता है वो हमने देख लिया, ठीक है। तो इट हैज टू हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट, एक y इज इक्वल टू वन एंड y इज इक्वल टू माइनस वन। अच्छा चलो इसका बताओ, ये सेकेंड है, थर्ड ले लेते कोई, टू प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, चलो इसका हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट क्या होगा। तो जब इस टाइप के फंक्शन आते हैं ना, एक हमारी लेमा होती है स्क्वीज लेमा, या इसको कहते हैं सैंडविच थ्योरम। इसमें क्या होता है, सिंपली अगर एफ ऑफ एक्स है ना, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, इस टाइप के फंक्शन है, और लिमिट सपोज चलो एक्स टेंडिंग टू कुछ ए कर रहा हूं मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल आ रहा है, और मेरा यही लिमिट जो है इसी ए पे एच एक्स की लिमिट भी एल आ रही है, तो वो कहता है भाई जी एक्स की लिमिट भी हमारी क्या आएगी, वो एल ही आएगी, है ना, यानी बीच वाली लिमिट भी एल ही आएगी, इसको इस लेमा ये कहता है। तो जब भी इस टाइप के फंक्शन आए, डायरेक्ट नहीं, जस्ट हमें देखना है कि हमें तो लिमिट चेक करना है, जब भी एजिम्प्टोट का है, हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट जब भी पूछा है, जस्ट वी हैव टू चेक द व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इसके बिहेवियर क्या होगी। तो जस्ट मैंने सपोज लिमिट
एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी कर रहा हूँ, चलो एक बार में प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कह दूँ तो वो प्लस इन्फिनिटी से ही डिनोट होता है। सो ये मैं कर रहा हूँ टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी टू प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, दिस इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो इन्फिनिटी पे तो ये टू ही रहेगा। नाउ जस्ट चेक हियर, एम लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स, है ना, ये कैसे जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो देखो जरा, आपको पता है साइन एक्स जो है ये ऑलवेज बाउंड होता है वन और माइनस वन के बीच में। अगर उसके ग्राफ ग्राफ आप देखो इस तरीके से जाता है ना, ये वन होता है अपर लिमिट, इसकी लोअर माइनस वन होती है, तो ये ग्राफ जो है वन और माइनस बी वन के बीच में ही रहेगा, लाई करेगा। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस वन लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू वन। अब इसमें क्या हो रहा है, जस्ट साइन वन अपॉन एक्स है तो मैं वन अपॉन एक्स से, पॉजिटिव वन अपॉन एक्स से चलो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पॉजिटिव साइन के लिए चेक कर रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए कर रहा हूँ, तो मैं पॉजिटिव एक्स ले रहा हूँ, तो पॉजिटिव एक्स से जैसे मैं पॉजिटिव वन अपॉन एक्स से, और जब अगर पॉजिटिव एक्स ले रहा हूँ तो वन अपॉन एक्स भी पॉजिटिव ही होगा, तो वन अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अब देखो इसकी लिमिट इन्फिनिटी पे आपको पता है कहाँ जाती है, और इसकी लिमिट भी पता है इन्फिनिटी पे आपकी कहाँ जाती है, जीरो पे जाती है, स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ये पॉपुलर एग्जाम्पल है वन अपॉन एक्स। तो इसकी लिमिट जैसे जीरो पे गई तो ये बीच वाला जो है साइन एक्स अपॉन एक्स जो जी मेरा बना वो भी जीरो पे ही जाएगा। सो बाय द स्क्वीज लेमा इट विल बी जीरो, सो दिस इज इक्वल टू टू। सो टीयर फोर वाई इज इक्वल टू टू इज ओरिजेंटल एजिम्टोट, ठीक, ये ओरिजेंटल एजिम्टोट होगा। सिमिलरली नेगेटिव के लिए करो, नेगेटिव के लिए करो, नाउ नेगेटिव के लिए आप करो, तो जब आप नेगेटिव के लिए करोगे सो साइन माइनस वन अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, आप माइनस वन अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, है ना, इनइक्वलिटी चेंज होगी, फिर भी ये जो है बीच में साइन एक्स अपॉन एक्स रहेगा, माइनस का साइन एक्स अपॉन एक्स रहेगा, तो वो भी हमारा जीरो पे अप्रोच करेगा, ठीक है, तो ये भी मेरा जीरो हो जाएगा, उस केस में भी जीरो होगा। सो इन बोथ केसेस वाई इज इक्वल टू टू ईयर, ओरिजेंटल एजिम्प्टोट जो होगा वो केवल सिंगल आएगा। देखो लिमिट एट इन्फिनिटी पढ़ रहे ना हम, मेन चीज है लिमिट एट इन्फिनिटी, तो हमें इसको बताना है ये जीरो कैसे हुआ। कुछ लोग ये भी करते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई ये आपका वन अपॉन एक्स जो है, ऐसे समझते वन अपॉन एक्स जो है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, और साइन वन अपॉन साइन एक्स जो है वो बाउंडेड होता है, तो ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, और एक कोई बाउंडेड इंटरवल है जो वैल्यू है वहां पे बाउंडेड है, तो उन दोनों का जीरो इंटू सम बाउंडेड नंबर का प्रोडक्ट जो है वो जीरो आता है, इस तरीके से लॉजिक लगाते हैं। बट हमें वो लॉजिक नहीं लगाना, वो लॉजिक हम तब लगाते हैं जब हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं, जहां पे हमें प्रॉपर रीजन नहीं देना होता, तो लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉपर जब रीजन देना है तो वी हैव टू यूज हियर स्क्वीज लेमा। नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स के बिहेवियर चेक कर रहे हो, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब आपने अगर एक्स नेगेटिव लेना है, एक्स मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ लेना है, तो ये जो एक्स है मैं सपोज एक्स को नेगेटिव ले लूंगा, क्योंकि हमने अगे पॉजिटिव के लिए ऑलरेडी चेक कर चुके हैं ये जीरो है, ये एक्स है मेरा वेरी कर रहा है इस लाइन पे, तो पॉजिटिव के लिए मैंने चेक कर चुका हूँ वो जीरो पे जा रहा है, अब नेगेटिव के लिए मुझे चेक करना है, तो ये मैंने जैसे चेक किया तो अगेन जो साइन एक्स है ना, वो साइन एक्स जो है बाउंडेड है बिटवीन द माइनस वन एंड वन,
ये तो पक्का क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, चलो मैं ये भी कर सकता हूं, यहाँ पे बहुत सारे गुणा भाग हम कर सकते। सिंपल मैं क्या कर रहा हूं, अब एक्स निगेटिव लिया है, तो जब एक्स निगेटिव लिया है तो वन अपॉन एक्स भी निगेटिव होगा, क्लियर। तो जैसे ही वन अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई किया आपने, तो वन अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई किया, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। हम माइनस वन अपॉन एक्स को निगेटिव कह रहे हैं, लेकिन मैं माइनस वन अपॉन एक्स नहीं करूंगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जस्ट मैं वन अपॉन एक्स को से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो जैसे निगेटिव क्वांटिटी से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, नेगेटिव नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस इनइक्वालिटी में, सो इनइक्वालिटी विल बी चेंज, ये तो हमें पता है, क्लियर। ठीक है, अब आप देखो अगेन वन अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स है, ये फॉर द एक्स इज नेगेटिव के लिए। सो अगेन बाय द स्क्वीज लेमा, सिंस वन अपॉन एक्स और माइनस वन अपॉन एक्स टेंडिंग टू जीरो एट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, देयर फॉर साइन एक्स अपॉन एक्स टेंडिंग टू जीरो एट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी बाय स्क्वीज लेमा। ठीक है, बस ये इनइक्वलिटी डेवलप कर दिया, तो इन दोनों की तो हमें पता है ये एक्स इन माइनस इन्फिनिटी पे कहाँ अप्रोच करता है ना, तो उसी हिसाब से हमने लिखा है। तो आपको सिमिलरली ये बना के करने को, तो देखो एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ सिंपल से, आप कल कर लेना इसको। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन वन अपॉन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट माइनस एक्स, इसकी लिमिट क्या होगी। ठीक है, इन दोनों की लिमिट निकालना, देयर फोर लिमिट जैसे ही आप निकाल लोगे सो यू कैन फाइंड द हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट। ठीक है, फाइंड हॉरिजेंटल एजिम्प्टोट, ट्राई करना।